नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं बूंदी जिले की ओर, जहां आपको बता दें कि बूंदी जिले में नरेगा के श्रमिकों को सही प्रकार से सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रही, जिसमें ना ही उन्हें मास्क दिया जा रहा और ना ही सैनिटाइजर का उपयोग दिया जा रहा, जिससे उनकी जान खतरे में मंडरा रही है। हिंडौली क्षेत्र भर में चल रही मनरेगा कार्य में श्रमिक कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क और प्राथमिक उपचार किट की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस दौरान हिंडौली पंचायत समिति के ग्राम पंचायत रोशनदा में ग्राम देवन डुगड़ी में ग्रामकरण के मकान से बिड की खाल तक नरेगा कार्य चल रहा है, पर मजदूर को सुविधा नहीं मिल पा रही, जिसको लेकर मीडिया को जानकारी देते हुए सभी मजदूरों ने बताया कि हमें मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है, साथ ही प्राथमिक उपचार किट भी नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि नरेगा से रोजगार तो मिल गया, पर पानी की बोतल घर से लेकर आते हैं जो पर्याप्त नहीं हो पाती। तबीयत खराब होने दवाई के लिए भी हिंडौली चिकित्सालय में जाना पड़ता है। अगर नरेगा स्थल पर काम करने के दौरान किसी को चोट लग जाती है तो प्राथमिक उपचार उपलब्ध नहीं हो पाता। यहाँ दवाई गोली हो तो हल्का बुखार सरदर्द के लिए गोली ले और काम अच्छा हो। 150 मजदूरों की लेबर से ग्राम पंचायत द्वारा एक भी सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं करवा रखा है, जिससे कार्य कर रहे मजदूर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ग्राम पंचायत प्रशासन मुखदर्शक बनी हुई सामने आई है। सामान्य तौर पर छाया पानी और प्राथमिक उपचार की सुविधा है प्रशासन द्वारा दी जाती है, जिसका समय का इंतजार वह लोग कर रहे हैं, जिसके लिए कई बार उन्होंने आवाज़ भी उठाई लेकिन उनको कोई सुनने वाला नहीं मिला। जिम्मेदार अधिकारी सभी ग्राम पंचायत के विकास अधिकारियों को आदेश देकर अपना कार्य पूरा कर देते हैं, लेकिन अधिकारी पालना नहीं कर रहे। मनरेगा कार्य में अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं, जिसके चलते श्रमिक खासे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। श्रमिक पेयजल, मास्क, सैनिटाइजर और प्राथमिक उपचार किट की मांग कर रहे हैं, जो पंचायत द्वारा जल्दी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। मास्क और सैनिटाइजर के अभाव में यदि किसी एक को भी कोरोना हो जाता है तो सभी में फैलने का अंदेशा बन जाएगा, अतः प्रशासन को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। नरेगा में क्या क्या सुविधाएं? कुछ भी नहीं। पानी की व्यवस्था है क्या? नहीं। दवाई वगैरह की? हाँ भी करना। नरेगा में क्या क्या सुविधा है आपको? कोई सुविधा नहीं। जैसे? और टेंट चाहिए और पानी की भी सुविधा नहीं है। प्राथमिक उपचार किट है क्या यहाँ पे? नहीं है। दवाई वगैरह? नहीं है। वहीं आपको बता दें कि हिंडौली थाना क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति की शव मिलने से सनसनी फैल गई। हिंडौली में बसोली थाना क्षेत्र के नारायणपुर बांध के पास 1 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ और घने जंगल के बीच बुधवार को ग्रामीणों ने पुलिस शत विक्षत शव मिलने की सूचना मिली। शव की सूचना मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी भी फैल गई। सूचना के बाद बसोली थाना पुलिस ग्राम और ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंची, जहां पर लाश को बरामद कर पंचनामा बनाकर शिकायत के लिए शिनाख्त के लिए हिंडौली और मुर्दागर में रखा दिया गया। प्रथम दृश्य शव 10 से 12 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने अज्ञात महिला का शव शिनाख्त के लिए मुर्दाघर में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम करवाकर शिनाख्त नहीं होने पर आज गुरुवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व हरिपुरा के जंगल में भी एक महिला का 10 से 12 दिन पुराना शव मिला था, जिसके मरने का कारण पता नहीं चल पाया था। फिर से जंगल में एक और लाश मिलने से भय का माहौल बना हुआ है। कुछ दिनों से क्षेत्र में हिंसक जानवरों की आवाजाही भी बनी हुई है। अब तो अधिक जानकारी महिला की शिनाख्त होने पर ही मिल पाएगी। वही हिंडौली थाना क्षेत्र में ही टिड्डियों ने अपना प्रभाव दिखाया, लेकिन प्रशासन ने पूरी रात मेहनत करके उन्हें दवाइयों का छिड़काव किया। हिंडौली क्षेत्र की ग्राम पंचायत काछोला में पेंच की बावड़ी की ओर टिड्डी दल ने बड़ी संख्या में प्रवेश किया और वन विभाग की भूमि और पेड़ों को निशाना बनाया। जैसे ही ग्राम पंचायत काछोला की सीमा में टिड्डी दल ने प्रवेश किया तो ग्रामीण घनश्याम गुर्जर ने जिम्मेदार अधिकारियों को टिड्डी दल की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद तुरंत प्रशासन हरकत में आया और मैं जाप्ते के साथ मौके पर भी पहुंच गया। इस दौरान साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों ने ग्राम काछोला व ओधंदा के ग्रामीणों ने पूरी रात भर टिड्डी दल को भगाने में प्रशासन का सहयोग किया, तो वहीं अधिकारियों ने भी पूरी रात भर दवाइयों का छिड़काव किया। इस दौरान कृषि विभाग के रतनलाल मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायत
काचोला के ग्रामीणों ने टिड्डी दल को भगाने के लिए पूरा प्रशासन सहयोग किया। इस दौरान सभी किसान लोगों को धन्यवाद भी दिया गया। तो वहीं कृषि विभाग के सहायक निदेशक रतनलाल मीणा ने बताया कि टिड्डी दल को खत्म करने के लिए साइबर मैथिन, क्लोरोपाई, रिफोर्स आदि दवाइयों का छिड़काव किया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि टिड्डी दल 5 किलोमीटर लंबा व 3 किलोमीटर चौड़ा दल फैल कर चलता हुआ दिखाई दिया। सहायक निर्देशक मीणा ने बताया कि मौके पर 24 कृषि पर्यवेक्षक, 3 कृषि अधिकारी, 4 सहायक कृषि अधिकारी, 12 ट्रैक्टर माउंट स्प्रे, 2 टिड्डी नियंत्रण माइक्रो नायर मशीन, 2 पानी के टैंकर, 1 अग्निशमन वाहन मौजूद रहे। सुबह टिड्डी दल टोंक जिले की सीमा की ओर प्रवेश कर गया। टिड्डी दल को नियंत्रित करने के लिए कृषि विभाग बूंदी सहायक निर्देशक रतनलाल मीणा, कृषि अधिकारी नंदलाम मीणा, शिवराज खींची, डॉक्टर महावीर शर्मा, हिंडौली पंचायत समिति के कृषि पर्यवेक्षक, विकास अधिकारी रमीनामा, सहायक गोपाल सिंह, ग्राम पंचायत सरपंच कौशल्याबाई, युवा ग्रामीण घनश्याम गुर्जर, देवराज गुर्जर, भंवरलाल मीणा, वार्ड पंच और समस्त ग्रामीणों ने सभी अधिकारियों का सहयोग किया। ये जो टिड्डियों का इधर हमला हुआ है काचोला फील्ड में, तो कहाँ से शुरू हुआ है और रात पर जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये भीलवाड़ा से प्रवेश किया था शाम को 7 बजे और ये ओतंदा में इस गांव में आके सेटल हुआ था। लगभग 5 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर चौड़ा है। काफ़ी हमने प्रयास किया है कंट्रोल करने का, बाकी अभी जो बचा है वो मूवमेंट कर गया। ठीक, जो काचोला क्षेत्र में टिड्डियों का जो एकदम पड़ाव सा आया है जी, उसमें आपकी लोगों ने क्या कार्रवाई की इसमें? हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलके, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पे ट्रैक्टर थे, फायर ब्रिगेड थी, हमारे पास भी 2 गाड़ियाँ हैं अपनी, बुलारो कैंपर में जो मशीन फिट है, माइक्रोनियर बोलते हैं उसको, ये इम्पोर्टेड मशीनें हैं और दोनों इनमें मेलाथियन 96% यूएलवी, यानी कि प्योर टेक्निकल पॉइजन है ये। इसमें कोई डाइल्यूशन नहीं होता, कोई इसमें मिक्सिंग नहीं होती और डायरेक्ट ये स्प्रे करते हैं मशीनों से और बहुत इफेक्टिव कंट्रोल है। बट एक लिमिटेशन है हमारी कि ये प्लेन एरिया में ये कर सकते हैं, जहाँ पे रेत हो, जहाँ पे ये झाड़ियाँ और जो ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया वहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते और जो फसलें हैं वहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे फायदा। काचोला ग्राम पंचायत के जो ओदंदा एरिया है, इसमें टिड्डियों ने जो प्रवेश किया है उसमें क्या क्या कार्रवाई हुई? जो काचोला ग्राम पंचायत में जब टिड्डियों ने प्रवेश किया तो मैंने अपने एग्रीकल्चर विभाग के कर्मचारी को सूचित किया, तो वाला अधिकारी समेत सारे अधिकारी यहाँ पे काम किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़19। नमस्कार।